वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज सुखमनी कौर सोधी एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ लाइफ कोच कैसे हैं आप सब लोग आईज उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर अभी वो क्या सोच रहे हैं वो डिटेल में हम देखेंगे एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी इसलिए प्लीज़ जुड़े रहिए जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है आप लोगों ने क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो आपसे एनर्जी एक्सचेंज होता है और ऐसी और रीडिंग्स भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे अब हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एंड गाइस जो भी हमारे डिस्काउंटेड रीडिंग्स चल रहे थे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है तो अब मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया अगर आप रीडिंग्स करना चाहते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस को अवेल करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली रीडिंग डिस्काउंट पर मिल रही हैं आप मुझे मैसेज uh, कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा यहाँ पे भी नंबर फ्लैश हो रहे होंगे आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कार्ड सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या और कोई कोर्सेस करना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अब मैं जल्दी से ये देखने की कोशिश करूँगी सबसे पहले कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है उनके मन में क्या चल रहा है वो क्या सोच रहे हैं आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर राइट नाउ वोट इज थिंकिंग अबाउट यू लाइक ओवरऑल सिचुएशन क्या है वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू ओके ओपन अप ओपन अप इज द फर्स्ट कार्ड य सेकेंड कार्ड जस्ट ब्रीद आई विम्पली लव एंड लास्ट वन इज हार्ट चक्रोके बॉटम ऑफ द डेक है बिलीव इन सक्सीड लवली लवली आई होप आपको यहाँ पे कार्ड दिख रहे हैं सो so गाइज़ यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्टक है और इनको ओपन अप होने की ज़रूरत है ये पर्सन अपने अंदर बहुत सी चीज़ें सोच के बैठ गए हैं और जैसे खुल नहीं रहे हैं जैसे अगर ये आपसे बात भी करते हैं कुछ कुछ बोलते भी हैं बताते भी हैं तो वो पूरे तरीके से नहीं बताते होंगे आपको वो शायद आपसे बात करनी उन्होंने बंद कर दी हो या फिर वो इतना मन की बात नहीं जैसे बता रहे हैं अभी फ़िलहाल एंड अंदर ही अंदर सोच रहे हैं ज़्यादा किसी से बात करनी पसंद नहीं कर रहे ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे कर भी रहे हैं तो दे आर नॉट टेलिंग वट इज़ एक्चुअली गोइंग इनसाइड दिस पर्सनज हार्ट वो नहीं बता रहे हैं ये पर्सन इनको ओपन अप होने की ज़रूरत है

ये सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल जैसे इनको थोड़ा टाइम खुद के साथ चाहिए ये अभी थोड़ा सा टाइम खुद के साथ लेना चाहते हैं ये थोड़ा सा ब्रीद करना चाहते हैं थोड़ा चीज़ों को समझना चाहते हैं अभी ये इस सिचुएशन में है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने साथ थोड़ा वक्त बिताना है क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं ना किसी ना किसी में मुझे यहाँ पर यही वाइब्स फील हो रहे हैं यही एनर्जी फ़ील हो रही है जैसे ये पर्सन अपने साथ वक्त बिताना चाहते हैं थोड़ा सा वक्त जब इनको मिलेगा अपने खुद के साथ तो इनको समझ में आ पाएगा कि ये चाहते क्या हैं तो अगर आप सेपरेशन में भी हैं यहाँ पर जो मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के साथ कि यहाँ पर सेपरेशन है तो वो जो सेपरेशन है ना गाइज़ वो आपको आपकी बेटरमेंट के लिए ही है एक बात मैं आपको और बताती हूँ देखिए यहाँ पे ओपन अप का कार्ड है नंबर फोर का कार्ड है हार्ट चक्र का कार्ड है नंबर फोर का कार्ड है एंड जस्ट प्रीत का कार्ड है नंबर फोर का कार्ड है यहाँ पे हमारे पास थ्री टाइम्स फोर हो गया ट्रिपल फोर हो गया यहाँ पे ट्रिपल फोर जो एंजल नंबर है वो हमको ये बताता है कि दैट यू आर प्रोटेक्टेड आप प्रोटेक्टेड हैं भगवान आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं एंजल्स आपके साथ हैं स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं दे आर ब्लेसिंग यू फ्रॉम अ बाव आप प्रोटेक्टेड हैं और आप मेरिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं ये पर्सन जो है आप एक चीज और नोटिस करिए देखिए कितनी खूबसूरत आपकी रीडिंग हो रही है ये डबल सिक्स भी आया है यहाँ पे अगेन तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि आपका जो प्यार है वो डेफिनेटली देखिए बेल भी बच गई हाँ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है आपने सोचना नहीं अगर ये कुछ वक्त चाहते हैं तो आप इनको कुछ वक्त दीजिए डेफिनेटली आपको देना ही पड़ेगा अगर आप नहीं देंगे तो शायद आप दोनों के बीच में और प्रॉब्लम्स होती रहेंगी और टाइम डिले होता रहेगा इसलिए ये मत सोचिए अगर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो अच्छा हो रहा है और अगर लेट हो रहा है तो ख़राब हो रहा है कभी कभी जो टाइम लगता है ना कभी किसी चीज़ में तो वो अच्छा ही होता है तो यहाँ पर अगेन मैं आपको ये बात बोलूँगी ये पर्सन थोड़े क्लोज ऑफ हैं या अपने साथ समय बिताना चाहते हैं ये पर्सन जो है ना अपनी सोल को नर्चर कर रहे हैं ये पर्सन को पता है कि आप इनके लिए परफेक्ट क्ट हैं आप इनके लिए आप इनकी जिंदगी को जिंदगी में खुशी लेकर आते हो सेटिस्फैक्शन देते हो इनको इनको इतना आराम देते हो हर चीज में मतलब एक उतना इनकी सोल को जैसे आराम देते हो आप इनकी आत्मा को शांति मिलती है जब भी आपके साथ होते हैं और जैसे इनकी इनका लक इनको फेवर करता है सब चीज़ें इनके इनके हक में हो जाती हैं ये पर्सन जो भी कर रहे हैं रिलेशनशिप की बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं इसलिए आप रिलेशनशिप बेटर हो रिलेशनशिप आगे बढ़े रिलेशनशिप में जो नर्चर रिलेशनशिप को करने की ज़रूरत है वो ये कर पाए तो ये बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं रिलेशनशिप की एक न्यू बिगिनिंग के लिए कर रहे हैं इसलिए आप इनको गलत मत समझिएगा यहाँ पर मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि आपको थोड़े समय तक बस जैसे अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है और ये पर्सन भी मुझे यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है जैसे ये पर्सन अपने आप को अपनी अपनी सोल को जैसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं उनको चाहिए क्या है वो ये सोच रहे हैं तो आप इनको कुछ भी गलत मत समझिए चाहे ऊपर से कुछ भी दिख रहा है बट अंदर से इंसान थोड़ा सा समय ले रहे हैं आप देखिए जैसे ये अपनी सोल को मिल रही है राइट वैसे ही ये पर्सन जो है अपने आप से मिलना चाहते हैं कि उनको लाइफ में चाहिए क्या है और ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं जो कार्ड है ये कार्ड यहाँ पर एक नोस्टाल्जिया को भी दिखाता है जैसे ये पर्सन पुरानी बातों को याद रख रहे हैं कर रहे हैं आज भी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं पास्ट को याद कर रहे हैं और ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करना चाहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो कुछ बच्चों से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में जैसे कि यू you नो know, आप दोनों के मिलने के बीच में जैसे आप कि बच्चे आ रहे हैं या कुछ चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में जैसे वो पहले वाला स्टेज था ना बहुत इनिशियल स्टेज था जैसे बच्चा पैदा होता है और फिर बड़ा होता है तो वो जो शुरू शुरू का टाइम होता है वैसी रिलेशनशिप का जो शुरू शुरू का फ़ेज़ होता है ना वो इनोसेंस जो एक रिश्ते में होती है वो कहीं गायब हो गई उसको लेकर आने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं और यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली इनका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है धीरे 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 करके इनको चीज़ों को समझ में आएगा रियलाइजेशन होगा कि ये क्या कर रहे हैं और अगर आप कुछ करना चाहते हैं इनके लिए तो मैं यहाँ पर ये यह बोलूँगी आप इनको सिर्फ जो लोग यहाँ पर चाहते हैं बहुत मिस कर रहे हैं रीयूनियन चाहते हैं या फिर उनसे और टाइम वेट नहीं कर सकते तो आपको एक चीज़ प्रैक्टिस करनी है आपको पाँच मिनट के लिए शांति से बैठना है और आपने वो सारी लविंग एनर्जी हीलिंग एनर्जी जो फुल ऑफ लव है फुल ऑफ कंपैशन है फुल ऑफ़ केयर है वो प्यार वाली एनर्जी जो है ना आपने अपनी उस पर्सन को भेजनी है कि वो हील हो जाए बहुत जल्दी हील हो जाए वो आपके पास वापस आ जाए ठीक है और वो आपको इस फॉर्म में करनी है जब आप वो एनर्जी सेंड कर रहे होगी तो आपने सोचना है ऐसे ग्रीन कलर की लाइट या कोई ब्लू कलर की लाइट आपके हार्ट से निकल रही है और उसके हार्ट तक पहुंच रही है अगर आप चाहते हैं उस इंसान को पीस मिले तो ब्लू लाइट और अगर आप चाहते हैं उस पर्सन को हीलिंग हो तो ग्रीन लाइट ठीक है ये आपने डेफिनेटली करना है और यहाँ पर देखिए अगर कुछ लोग यहाँ पर ये यह सोच रहे हैं क्योंकि देखिए इस दुनिया में हर तरीके का इंसान है कुछ लोग यहाँ पर जो मे बी रीडिंग देख रहे हैं वो ये सोचेंगे अरे मेरा तो कुछ नहीं होगा और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भी हो सकता था तो उसको भी पूरा करके दिखाया है कैसे अपनी स्ट्रेंथ से अपनी सोच से अपनी हिम्मत से उनकी सोच इतनी अच्छी है कि आज उनको बहुत हाइट्स अचीव हुए हैं तो आपने भी वही करना है अब आप चूज़ कर लीजिए आपने किस में से बनना है सिर्फ उनमें रहना है जहाँ पर वो सोचते हैं अरे कुछ नहीं हो सकता अरे ये वीडियो बकवास है अरे ये इंसान गलत है वो गलत है तो वो हर एक में फॉल्ट निकालेंगे क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में इतने फॉल्ट्स हैं वो वो किसी को अच्छा देख ही नहीं सकते हैं तो आपने क्या करना है वो आप चूज़ कीजिए यहाँ पे बिलीव एंड सक्सीड का मैसेज आया है जो हमको ये बता रहा है अगर आप बिलीव करोगे अपने ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे अगर आप में इतनी पावर है तो आप डेफिनेटली सक्सीड कर पाओगे आपको वो सब मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो चैलेंजिंग टाइम्स डेफिनेटली हैं बट यहाँ पे बिलीव इन सक्सीड भी है तो आपके मन की बात नीचे है कि मैम इतना सब हो रहा है मैं कैसे करूँ क्या करूँ नहीं वो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है अगर आप बिलीव करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं अब हम जल्दी से टारो कार्ड से भी देख लेंगे कि टारो कार्ड हमको क्या बताना चाह रहे हैं ठीक है गाइज आई होप आपको कहीं कही ना कहीं ये कनेक्ट हुआ होगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आएगी तो ठीक है टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं चार कार्ड्स पिक करूँगी मैं आप लोगों के लिए आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए मुझे यहाँ पर एक मैसेज तो आया है दो मैसेजेस आए हैं टेन ऑफ कप्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स टू मोर कार्ड्स आए नी थैंक यू सो मच थैंक यू Two of cups, lovely, lovely, lovely. Last card, nine of wands. तो गाइज़ यहाँ पे बॉटम ऑफ द टेक में स्ट्रेंथ अगेन स्ट्रेंथ कार्ड आ गया है जो हमको ये बता रहा है हिम्मत रखनी पड़ेगी ये कार्ड डिलेज भी दिखाता है वाव अगेन सच अ ब्यूटिफुल मैसेज फोर ऑफ वॉन्स की एनर्जी है विश तो डेफिनेटली फुलफिल होगी इलेवन इलेवन का मैसेज है यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में या ट्वेल फिल्म कलेक्शन में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि ट्वेल फ्लेम हो या सोलमेट हो आपके पर्सन जो भी हैं उनके साथ आपका सोलमेट या ट्वेल फ्लेम कनेक्शन हो एंड यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है ना ही वो पर्सन कर पा रहे हैं तो डिस्टर्ब एनर्जी डेफिनेटली है पर यहाँ पर मुझे विशेष पूरी होते हुए दिख रही हैं मैरिज री दिख रहा है क्योंकि ये कार्ड मैरिज को भी दिखाता है सेलिब्रेशन को भी दिखाता है मे बी आप साथ में इकट्ठा होकर कुछ सेलिब्रेशन सेलिब्रेट uh, करें या फिर ऐसा भी हो सकता है पर्सन आपको कमिटमेंट दें आपके कोई एंगेजमेंट प्लान हो सकती है तो वो सब भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है सडन ही होगा जो भी होगा री भी होगा तो सडन ही होगा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है स्ट्रेंथ आपको रखने की ज़रूरत है डिलेज होंगे बट आपका काम डेफिनेटली बनेगा एंड जो टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि फ़ैमिली तो आपकी बनेगी ही बनेगी अगर कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर यू you नो know, वो अपने पार्टनर से अलग नहीं होना चाहते हैं तो तब भी उनका जो बॉन्ड है उनके इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ एक कंप्लीसन होगा आपके रिश्ते में आप शादी बहुत लोग यहाँ पे चाहते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं कमिटमेंट चाहते हैं तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रांगली मिलता हुआ दिख रहा है एफर्ट्स ये पर्सन कम कर रहे हैं थोड़ा स्लो एनर्जी में है थोड़ा नहीं मैं बोलूँगी बहुत स्लो एनर्जी में है शायद बहुत समय हो सकता है आप दोनों अलग हो गए हैं या फिर बात नहीं हो पा रही है थोड़ी स्लो एनर्जी में है थोड़ा टाइम इनको लग सकता है धीरे धीरे सोचेंगे समझेंगे बट ये आपको इजहार ज़रूर करेंगे अपना प्यार की बात ज़रूर करेंगे आप दोनों के बीच में रीयूनियन भी होगा रिकनसिलेशन का कार्ड भी है कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ सकता है इनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है बट यहाँ पे एंजल्स आपके साथ हैं डिवाइन एनर्जी आपके साथ है आपको प्रोटेक्ट कर रही है एंड मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का ना इसे मुझे चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को ना कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को बस वो पर्सन चाहिए जो भी आप यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं ना आप इतने पैशनेट हैं इस पर्सन के लिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सन चाहिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या करता है क्या नहीं करता है और शायद उनको भी एक टाइम आएगा फ़र्क नहीं पड़ेगा शायद अभी भी नहीं पड़ता हो कि आप क्या करते हैं क्या क्या सोचते हैं बट उनको यही चाहिए कि आप उनके साथ रहें ये मैं डेफिनेटली यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ इस पर्सन का ध्यान जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ आप पे है और ये बहुत ही ख़ूबसूरत कार्ड्स आए हैं कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है एनर्जी ज़रूर स्लो है बट अपॉर्चुनिटीज़ आपके फेवर में दिख रही हैं यहाँ पे जो नाइन ऑफ पॉइंट्स का कार्ड है ये दिखा रहा है कि कंसंट्रेशन इनकी कहीं पे भी नहीं लग पा रही फोकस सिर्फ आप ही आप हैं मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं चाहे कितनी भी चॉइसेस हो इनके पास और ये नाइन जो नंबर आ गया है हमारे पास लास्ट में वो कंप्लीशन दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप की अब मैं यहाँ पर ये भी देखूंगी कि अगर वो आपको कुछ दो मैसेजेस भेजना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो वो क्या होगा चलो ज्यादा पिक कर लेंगे दो नहीं करेंगे ठीक है मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैम दो नहीं और ज्यादा करो ऐसा जैसे सुन रहा हूँ मुझे आपका मन कह रहा है कि ज़्यादा मैसेजेस पिक करो ओके आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस क्या हैं थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू ओके सो द फर्स्ट मैसेज हियर इज विदाउट यू आई एम एज़ गुड एज नथिंग तो इनको ये चीज़ तो अब समझ में आ गई है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ मैं ज़ीरो हूँ आई एम अ बिग ज़ीरो विदाउट यू तुम हो तो सब कुछ है तुम नहीं हो तो जैसे कुछ भी नहीं है आई नो आई वॉज केयरलेस विद यू इनको पता है ये आपके साथ केयरलेस थे ये आपकी कदर नहीं करते थे आपकी परवाह इन्होंने नहीं की है बहुत सारे टाइम ऐसे भी आए हैं जब इन्होंने मे बी आपकी इमोशंस को अन अटेंडेड छोड़ दिया हो बट अब ये इस चीज़ को समझते हैं और चेंज होना चाहते हैं आई एम हेयर फर यू इवन इफ यू हैवन टॉक्ड सिंस लॉन्ग आई एम वन कॉल अवे तो मैंने जैसे बोला कि आप लोग का हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी समय हो गया है बात किए हुए बट ये बोलना चाहते हैं कि सिर्फ मैं एक आई एम जस्ट वन कॉल अवे तुम एक फ़ोन का करोगी और मैं हाजिर हो जाऊंगा ठीक है ये जैसे मन में यही सोचता है। अगर तुझे कुछ दिक्कत होगी ना तो मैं तेरे साथ हूँ जैसे ऐसा ही आपको कुछ बोलना चाहते हो आम आई एम सॉरी आई विल नेवर लाइच यू अगैन आई कांट लूज यू ओवर एंड ओवर अगेन तो ये सॉरी बोल रहे हैं जैसे कि ये इन्होंने मे भी आपको बहुत झूठ बोले हैं और अब ये और झूठ नहीं बोलना चाहते हैं तो आपके उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं और आप अब आपको प्रामिस कर रहे हैं कि जैसे ये आपको झूठ नहीं बोलेंगे अब हमारे पास हम ये देखेंगे मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है मोटिवेशन मैसेज ऑफ द डे मोटिवेशनल मैसेज ऑफ द डे हम देखने वाले हैं वन मैसेज फ्रॉम दिस डेक थैंक यू थैंक यू सो मच ओके हमें मिल गया है इन द मिडल ऑफ डिफ़िकल्टीज लाइज ऑपरचुनिटीज तो यहाँ पर गाइज डिफिकल्टी कितनी भी है डजेंट मैटर डिफिकल्टी कितनी भी है पर ऑपरचुनिटी डिफिकल्टी में से ही निकल कर आएगी आपके लिए ये बात आप ध्यान रखना ठीक है तो जो भी मुश्किल समय है जैसे मैंने बोला बिलीव एन सक्सीड का भी मैसेज आया था आपने यहाँ पर कितनी भी डिफ़िकल्टी देखो मैं नहीं बोल रही हूँ ये कार्ड्स बोल रहे हैं आप देखिए ये बात को कितनी भी डिफ़िकल्टी है पर आपको ऑपरचुनिटीज़ मिलेंगी अवेल आपने ही करनी है और कैसे उस चीज़ को हासिल करना है वो आपको ही पता है वो कैसे होगा स्ट्रेंथ से होगा हार ना मानने से होगा तो ये मत सोचिए कि बहुत डिफ़िकल्टी है आपको सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली मिलेगी ओके सो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग आई होप यू लाइक इट अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलती हूँ अगली रीडिंग में इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव बाय